अदर व्लॉग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें सही होंगे। सो आज मेरी जो है वो थर्ड क्लास है मेहंदी की। तो मेरी स्टूडेंट जो हैं वो मेहंदी सीख रही हैं और काफ़ी 3 दिन में अच्छा कर लिया है उन्होंने। तो नॉट बैड, अच्छी कोशिश है इनकी। 3 दिन में इतना इम्प्रूव सीख लिया है। अब देखें 10 दिन का इसका है, 10 दिन में कितना सीखती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और जी शाम में हमारे पास एक कंपटीशन है, वो क्या है वो तो मैं शाम में ही आपको बताऊंगी। और देखते हैं कि इस कंपटीशन में कौन जीता है और कौन हारता है और कितने कंटेस्टेंट जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। नाइस ट्राई, लगन पर होता है मेहंदी सीखना भी एक आर्ट है। तो जिसको मेहंदी सीखनी है सो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। मैंने फातिमा के हाथों पे मेहंदी लगाई है, ये न्यू शेडेड मेहंदी लगाई है मैंने, इसके नया एक्सपीरियंस किया है। और आप लोग बताएगा कि कैसी लगी है। और हम आपको इसको जो है वो वॉश करके भी दिखाएंगे कि इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है। वो देखें, इसको आ गई। कहाँ से आ रही हो तुम? इधर आओ, कम हियर। हेलो कर दो गाइस को, कम हियर। ये कुछ खोजती हुई क्या सो? नहीं, बंद कर दूंगी मैं यहीं। बंद करो उसको, इसकी वजह से मुझे यहाँ की कुंडी लगानी पड़ती है वरना मेरी सारी चीजें इधर से उधर होती हैं। फिर चप्पल तो है ही नहीं इस लड़की के पास, चप्पलें कहाँ हैं? हाँ लगा दो, कैसे कैची से काट रही थी। सब्सक्राइब करें बोल दो। बस चुलबुली भागती हुई। तो आज जो है वो किस किस का रोजा है? आज 15 शाबान के नीचे वॉक करते हुए मटर गश्ती कर रहे हैं शाम के वक्त। शुक्र है कि हमारे यहाँ की शामें ठंडी होती हैं, दिन गर्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मार्च में जनवरी निकलता है मेरे मुँह से, जून जुलाई का फीलिंग आ रही है, लेकिन अभी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा के साथ खूबसूरत शाम। और आज जैसा आपको पता है कि पहले कंपटीशन था और अब जो है वो आज भी कंपटीशन है। हम अब्दुल्ला बच्चों का दुश्मन, छोड़ दो अब्दुल्ला, छोड़ना नहीं, ज़्यादा गर्दन से पकड़ लो। गाइस आज हमारा कंपटीशन जो है वो राइटिंग कंपटीशन है। समिया तो नहीं आ रही है, लेकिन हमारे साथ आज हैं फातिमा और एहसन, यही दो बच्चे हमारे पास बड़े हैं तो हर कंपटीशन में यही आ रहे हैं। सो हमने इनको 1-1 पैराग्राफ दिया है राइटिंग के लिए। और एक ट्विस्ट भी है, इतनी आसानी से राइटिंग करने नहीं देंगे हम। सो ट्विस्ट ये है कि 1 मिनट में जो है इनको 1 पैराग्राफ लिखना है। अभी नहीं लिखना, जब मैं बोलूँ तब लिखना है। एडिट तो डाल दो ना? डाल दो। आज इनके चेहरों के एक्साइटमेंट देखें, रीडिंग में तो जान निकली हुई थी कि पता नहीं क्या हो और क्या कर दें।
राइटिंग में जो है थोड़े से एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। सो अब देखते हैं कि दोनों में से कौन जीतता है। रीडिंग में तो एहसन विन कर गया था, अब देखते हैं राइटिंग में कौन विन करता है। आज जो है ये भी है कि जो हारेगा उसको पनिश लाजमी मिलेगी। अब जो भी चैलेंज होगा, जो भी कंपटीशन होगा जिसमें जो हारेगा, पहले तो हम छोड़ दे देंगे दे कि चलो छोड़ो, पनिशमेंट नहीं दे रहे, बट अब हम पनिशमेंट भी देंगे और जो है और गिफ्ट भी देंगे। अब जो है अब देखते हैं कि कौन जीतता है। अभी हमारे पास हुए हैं 7:20, हम शुरू करेंगे 7:30 बजे। सो लेट्स बिगिन। तो अभी तुम लोग जल्दी जल्दी अपनी जो हेडिंग शेडिंग है वो सारा कुछ डाल के रखो। स्पेलिंग में एक एक वर्ड की गलती दोनों की ही निकली है, तो चलो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। बट फातिमा विन किया है चैलेंज को और एहसन हार चुके हैं। आज के लाइन छोड़ते ना तो फिर अच्छा हो जाता, बट आपने लाइन नहीं छोड़ी। अगर लाइन भी नहीं छोड़ता और ये सही कर लेता ना राइटिंग, तो फिर भी बेहतर था। लेकिन फातिमा की राइटिंग अच्छी है, तुमसे अच्छी है। वैसे अच्छी नहीं है बट तुमसे नहीं अच्छी है। फातिमा की राइटिंग वैसे भी अच्छी है, बस नॉर्मल है, अच्छी नहीं आती है ना अच्छी। और जो है ये है चैलेंज, हारा है एहसन। एहसन अब आपको मिलेगा पनिशमेंट, और फातिमा के लिए आज का हमारा तो आज की जो फातिमा को हम रिवॉर्ड देने वाले हैं वो है नॉर नूडल्स चटपटा। थैंक यू सो मच। और इसको मिलेंगे 10 अप एंड डाउन करने पड़ेंगे, अब तो करना पड़ेगा एहसन। नेक्स्ट टाइम राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। चलो ठीक है। फिर भी उसने कैमरे के सामने कर लिया, लेकिन कैमरा वाले के बाद कर दूंगा। कंपटीशन ये वाला कंपटीशन में मजा आया, और जो है पहले वाले कंपटीशन में तो मजा नहीं आया था क्योंकि इसमें एहसन। अब जो है अब नेक्स्ट चैलेंज में देखते हैं कि मेरे साथ कंपटीटर कौन है। नहीं मैंने पूछा ही नहीं था कि पनिश देनी है, मैं तो ये कहा था अब जो भी हारेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी चाहे कोई भी हो। सो अब नेक्स्ट चैलेंज तक के लिए हमें इजाजत दें। देखो हार के भी खुशी का इजहार ये होता है सही। और पहले तो रो रही थी मैं हार के, अब मैं जीतूं तो घर। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हम आपके लिए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस, चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स लेकर आते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी नोटिफिकेशन हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और जो है जब नेक्स्ट चैलेंज और नेक्स्ट कॉम्पिटिशन तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।